मरते मरते बचा। रवि काम हो जाता भाई। व्यू है पहाड़ों में, यही मजा है, कभी धूप कभी। निवारण के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग केदारनाथ से चोपटा तुंगनाथ की तरफ जा रहे हैं। केदारनाथ से चोपटा का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। यहाँ से निकलने पर हमको एक और जगह के बारे में पता लगा जो कि त्रियोगी नारायण के नाम से जाना जाता है। त्रियोगी नारायण टेम्पल यहाँ सोनप्रयाग से 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर लोग आप लोग यहाँ पर आएँ तो त्रियोगी नारायण टेम्पल भी जा सकते हैं। त्रियोगी नारायण टेम्पल के बारे में कहा जाता है कि ये स्थान पर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, और जो ये अग्नि जल रही है ये पिछले 3 युगों से जल रही है। अरे यार रोड खराब कहाँ से आ गई, लैंडस्लाइड भी हो रखा है, सामने से बस नीचे खाई। चल मेरे भाई, चलो 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 चलो। हाँ, मरते मरते बचा। रवि काम हो जाता भाई। पीछे हम मरते मरते बचे, इनको क्या हो गया? आह बाबा, क्या हुआ? इंटरकॉम। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। क्या हुआ भाई? नीचे नदी, साइड में रोड, हम चले अपनी मंजिल की ओर। चल हो जा पीछे मेरे भाई, बाय बाय। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है या वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। ओहो, जीसी भी खड़ी है, क्या हुआ है यहाँ पर? अच्छा, लैंड स्लाइड हो रखी थी, यही वजह थी जो पीछे 4 व्हीलर को आने नहीं दे रहे थे। वेरी नाइस वेरी नाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी शाम के हो रहे हैं 4 और हम पहुंचने वाले हैं उखी मठ। इस नज़ारे में चाय तो बनती है बॉस। अब यहाँ से कोई व्यू पॉइंट अगर मिले जहाँ पर चाय मिल रही हो तो थोड़ा रिलैक्स किया जाए, शाम का आनंद लिया जाए और चाय की चुस्की का मज़ा लिया जाए। वैसे भी पीछे मुझे किसी ने बताया है कि उखी मठ के पास में एक मंदिर है ओंकारेश्वर। कहा जाता है जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान अगले 6 महीने ओंकारेश्वर में ही आकर बसते हैं। कोशिश करूंगा आज यहीं आसपास कहीं रुकूं और शाम की आरती में ओंकारेश्वर मंदिर में जाऊं और उसका हिस्सा बनूं। यार यहाँ पे अलग ही मजा आता है। आप लोग, वाह क्या व्यू है, पहाड़ों में यही मजा है, कभी धूप कभी छांव कभी बारिश कभी हवा, बस चलते जाओ एंजॉय करते जाओ।
हेलो दोस्तों, अभी जब हम चाय पीने के लिए पीछे रुके हुए थे तो हम कुछ टूरिस्ट से भी मिले जो बता रहे थे आज चोपटा में बहुत ही ज़्यादा रश है तो और स्टे मिलना भी थोड़ा मुश्किल बता रहे थे। तो अभी हम आगे का ट्रैवलिंग का प्लान करेंगे ड्रॉप, क्योंकि इसकी दो वजह हैं। एक तो हमें ओमकारेश्वर मंदिर भी जाना है, दूसरा वजह है कि ऊपर स्टे मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओके, इसलिए लोग कहते हैं जब रास्ते में रुको एक दूसरे से बात करते हुए चलो तो आपको आगे की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। अब यहीं आसपास कोई स्टे देखेंगे, थोड़ा रुकेंगे, कल की प्लानिंग करेंगे। अरे वाह, यहाँ पे बारिश का पानी, नदियों का पानी सब यहीं से फ्लो होके निकलता है। जितना सुंदर नज़ारा, ये रोड जितना प्यारा है, बारिश में ये उतना ही डेंजरस हो जाता है। पर फिलहाल के लिए तो हम इसको एंजॉय करेंगे। टन 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 थोड़ा रुक के देखा जाए। पीछे भी हमने कुछ होमस्टे देखे पर इतने खास पसंद आए नहीं। अब कुछ दिख तो रहा है, शायद ये भी होमस्टे वगैरह है, देखते हैं। यहाँ पे भीड़ लग रही है और वैसे भी कुछ खास है। कल का ट्रैक जो है वो हमारा तुंगनाथ का ट्रैक है जो 5 किलोमीटर का है और उसके ऊपर 1 किलोमीटर चंद्रशिला का ट्रैक है। तो कल का पूरा दिन ट्रैकिंग में जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज सुबह हमने तुंगनाथ का ट्रैक सुबह 7 बजे शुरू किया था। तुंगनाथ का ट्रैक है तुम काफ़ी मुश्किल, लेकिन रिटर्न में आपको देता है ये सुंदर नज़ारा। इधर देख, हमारी अभी शान से फूल रही है और बहुत सा डिस्टेंस अभी है कंप्लीट करने को। नितिन भाई वो सुबह शाम जिम करता है, फिटनेस पे ध्यान देता है, प्रोटीन खाता है। हालत देख लो, ए, प्रोटीन वाले प्रोटीन वाले, वो हाइट प्रोटीन वाला ढेर, जिम वाला ढेर। दोस्तों, तुंगनाथ दुनिया के सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है जो कि 12,000 फीट पर है और ये पंच केदार में से एक है।
फाइनली हम लोगों ने 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया और अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। घोड़े खच्चर वहीं नीचे रुक जाते हैं, उससे आपको 500 मीटर ऊपर की तरफ खुद पैदल आना पड़ेगा। और यह है मंदिर का परिसर, जय बाबा तुंगनाथ। यह है तुंगनाथ का व्यू और सामने बाबा तुंगनाथ के दर्शन के लिए लोग लाइन में लगे हुए। दोस्तों, तुंगनाथ दर्शन के बाद हम लोग चंद्रशिला ट्रैक की ओर बढ़ चले। चंद्रशिला ट्रैक तुंगनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ है और ये 13,000 फीट पर है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल और कम है तो हमारे दो साथियों ने नीचे ही रुकने का फैसला कर लिया और हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच गए चंद्रशिला और ये वो जगह है जहां पर चंद्रमा ने राजा दक्ष द्वारा दिए गए श्राप के निवारण के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। इस सुंदर नजारे के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाय बाय।